कंटेस्टेंट्स पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार। बिग बॉस का पहला नॉमिनेशन वीक, कौन हो सकता है घर से बेघर, आइए जानते हैं। बिग बॉस के घर में कल हुआ एक टास्क जिसका संचालन करते हुए नजर आए अक्षरा और प्रतीक। ये था नॉमिनेशन टास्क जिसमें थे 4 राउंड। हर एक राउंड में हर एक जोड़ी सेफ होती हुई आएंगी नजर। इस टास्क का संचालन करते हुए नजर आएंगे अक्षरा और प्रतीक जो कि है इस वक्त घर के कैप्टन। वहीं तीसरे राउंड में ही उनके संचालन पर सवाल उठाते हुए नजर आए बिग बॉस के ये कनेक्शन जोड़ी जो कि थी शमिता शेट्टी और राकेश बापट की, जिन्होंने मार ली खुद के पैर पर कुल्हाड़ी और हो गए सीधा सीधा नॉमिनेट। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जिशान और दिव्या की जोड़ी बनी थी उस राउंड की विनर, जहां पर प्रतीक ने उनकी जोड़ी को सेफ डिक्लेयर किया था। लेकिन इस बात से शमिता शेट्टी और राकेश बापट को हो गई प्रॉब्लम, जहां पर प्रतीक के संचालन पर सवाल उठाते हुए नजर आए ये दोनों भी सदस्य। जब बिग बॉस ने आखिरी फैसला पूछा था प्रतीक सेजपाल से, तो उन्होंने लिया था जिशान खान और दिव्या अग्रवाल का नाम, जहां पर एक बार फिर से शमिता और राकेश प्रतीक के इस डिसीजन का विरोध करते हुए आए थे नजर, जहां शमिता ने ये तक कह दिया था कि वो गेम को छोड़ देंगी, जिसके चलते बिग बॉस ने सीधा सीधा कर दिया शमिता और राकेश की जोड़ी को आने वाले हफ्ते के लिए नॉमिनेट। वेल, हम आपको बता दें रिद्धिमा और करण चौथे राउंड में जाने से पहले ही हो गए थे सुरक्षित। वहीं हेयर कलर करवा कर मिलिंद गावा और नेहा भासिन हुए सेफ। वहीं दूसरी ओर निशांत और मूस के बेहतरीन प्रेजेंटेशन की वजह से निशांत और मूस की जोड़ी भी हुई सेफ। इसी के साथ साथ घर के एक और सदस्य उर्फी जावेद, जहां जिशान खान ने चुन लिया था दिव्या अग्रवाल को अपना कनेक्शन, वहीं उर्फी का इस वक्त कोई भी कनेक्शन ना होने के चलते वो हो गई है बिग बॉस के इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट। वेल, इस वक्त बिग बॉस के वो सदस्य जिन पर लटकी है नॉमिनेशंस की तलवार वो है उर्फी जावेद, शमिता शेट्टी और राकेश बापट। वेल, अब देखना ये होगा कि कौन होगा इस हफ्ते घर से बेघर। आप किसे घर से बेघर होता हुआ देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेडीज न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।